पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है इस चुनाव के अंदर, और हमें उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। उनका प्रशासन क्या कर रहा है? बोगस वोटिंग अगर कहीं पर हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? क्या मुस्लिम महिलाओं के बुरखा उतारने की एक साजिश भी कर रहे हैं? क्या हिजाब को हटाने की एक साजिश है? हर पोलिंग स्टेशन पे महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं उस चेक कर लें, बुरखे को इल्जाम क्यों दे रहे हैं? देखिए अगर ये बात सब सच्चाई है, अगर सच्चाई है तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये इस्लाम के भी खिलाफ है। जिस तरह से उसमें मैंने वो सुना कि साहब लड़कियों को प्रेग्नेंट करो, इस्लाम में नाजायज औरतों से ताल्लुक की बहुत खतरनाक सजा है, पत्थरों से मारने की सजा है, तो ये तो मुसलमान कर ही नहीं सकता इस तरह की हरकतें। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर भी एक मुहिम चल रही है कि मुस्लिम लड़कियों को बहका के उनसे उनके साथ शादी करो, और लोग ऐलान कर रहे हैं उनको इनाम देने के, लाख लाख, दो दो लाख, पाँच पाँच लाख रुपए के इनाम दिए जा रहे हैं कि अगर आपने मुस्लिम लड़की को बहका कर उससे शादी करी और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। दोनों चीज़ें बहुत खतरनाक हैं, देश के लिए खतरनाक हैं, इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस ने बजरंग दल पर जो अपना मैनिफेस्टो है लगाया, बजरंग दल जैसे वो लगाएंगे प्रतिबंध लगाएंगे, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि बजरंग दल को ताले में बंद करने की बात है, ये जो इस तरह कहा है। अच्छा, तो बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया? अब आप तो हिंदू हैं, आप जानते हैं बजरंग बली की क्या हैसियत है और कितने महान शख्सियत थे, और उनको ऐसे लोगों से जोड़ दिया जिनका काम ही बवाल पैदा करना चारों तरफ। ऐसा बजरंग बली करते थे क्या कभी? देखिए आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि हर जगह बवाल कौन करता है, आम हिंदू भाई नहीं करते हैं। आम हिंदू भाइयों को सड़क पे नमाज पढ़ने से कोई परेशानी नहीं होती, आम हिंदू भाई मुसलमान के काम आते हैं, मुसलमान हिंदू भाइयों के काम आते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो बवाल करता है, नमाज पढ़ने पे भी उसे बवाल करना है। अरे नमाज अपने पैदा करने वाले की इबादत है, कोई उस पैदा करने वाले को ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। हम उस हिंदुस्तान को ढूंढ रहे हैं जिस हिंदुस्तान में हमारे बचपन में हमने देखा है कि नमाज के लिए हिंदू भाई अपने कपड़ों के थान बिछाया करते, हिफाजत करते थे खड़े होकर कि कोई जानवर ना आ जाए। हम उस हिंदुस्तान को तलाश कर रहे हैं जिसमें मुसलमान भाई होली के जुलूस की अगुवाई किया करते थे। ये माहौल किसने बिगाड़ा? ये कौन से भगवा ब्रिगेड है आपको तो मालूम है। कांग्रेस द्वारा इस तरह का मैनिफेस्टो जारी करना, ये किस तरह करना चाहिए? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में दिया क्या कहा है? यह है कि बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे। अगर बजरंग दल इल्लीगल एक्टिविटीज कर रहा है, शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो यकीनी तौर पे ऐसे संगठनों के ऊपर बैन लगना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।